तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि आपके लिए ये जो समय है दो दिन का वो कैसा रहने वाला है। 9 और 10 अप्रैल का समय किस राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा तो किस राशि वालों के लिए खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि 9 और 10 तारीख के पंचांग क्या कहते हैं, पंचांग की क्या स्थिति है। उसके बाद जानने का प्रयास करेंगे कि किस राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। वैसे मैं इस वीडियो में आपको किस राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है वो भी बताने की कोशिश करूंगा, जहां तक याद रहा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी, यहां सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हागनी हुकुम केमती अच्छन्ति की खबूर, नमस्तुभ्यं राधे राधे। सबसे पहली राशि है मेष, उस पर मैं चर्चा करेंगे, लेकिन उससे भी पहले है पंचांग। पंचांग को जान लेते हैं। पंचांग में 9 तारीख को प्रतिपदा तिथि है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा जो है सो मेष राशि में है, और अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 11:57 AM से 12:48 PM तक का है, और दिशा सूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है 9 तारीख को। 10 तारीख को द्वितीया तिथि बुधवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 10 तारीख को नहीं है, इसलिए प्रयास ये करें कि कोई भी काम इस समय में ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसमें भी खास करके राहु काल जो है सो 12:22 से लेकर के 1:58 PM तक का है, तो इस समय में तो खास करके कोई भी विशेष काम शुरू ना ही करें तो बढ़िया है। दिशा सूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि 10 तारीख को उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद नहीं है, आपके लिए वो विकट और विपरीत परिस्थिति को जन्म दे सकता है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानने का प्रयास करें कि आपके लिए जो है सो ये समय आखिर कैसा रहने वाला है। मेष से लेकर के मीन तक के कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और अ। जैसे कि चू से चुड़ैल, चे से चेन, चो से चोच, ल से ललिता, ला से लाला, ली से लीली, लू से लूलू, ले से ले लो, इत्यादि लो और अ अक्षर है। तो इसमें से जो जिसका शब्द आए वो सारे शब्द जो है सो मेष राशि के होंगे। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के प्रथम भाव में है। प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि चंद्रमा प्रथम भाव में 9 और 10 तारीख को है, यानी कि मेष राशि वाले जातक को इस समय में सुख और आनंद के प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। इस समय में हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई इशू है, परेशानी है तो उससे राहत देखने को मिलेगी। बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़ा मिलेगा, सैया सुख की प्राप्ति होगी और जीवन साथी के साथ, पति पत्नी के साथ वक्त बिताने का मौका भी प्राप्त होगा। मेष राशि वालों को इस समय में हो सकता है तो उपहार और कुछ धन प्राप्ति के भी विशेष योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेष के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि 12वें भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, और चंद्रमा का प्रवेश 12वें भाव में, यानी कि वृषभ राशि वाले जातक के लिए यह समय थोड़ा सा विपरीत होगा। लेकिन सबसे पहले नाम के अक्षर को जान लेते हैं। वृषभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है ई, ऊ, ए, ओ, वा, व, ह्रस्वी, दीर्घी, व, ह्रस्व, दीर्घ, वे और वो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ ही हुई। वृषभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि वृषभ राशि वाले जातक को शारीरिक तौर पर में कुछ परेशान कर सकता है, शारीरिक तौर पर कुछ कष्ट दे सकता है। विशेष करके आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है, नेत्र रोग के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। धन और मान हानि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। संतान का सहयोग थोड़ा सा कम प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, मेंटली तौर पर में थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं वृषभ राशि वाले। खर्चा इस समय में थोड़ा सा अधिक होता हुआ नजर आ रहा है, और बाराही संहिता के अनुसार कहा जा रहा है कि चंद्रमा जब 12वें भाव में हो तो वृषभ राशि वालों को इस समय में उन्मत्त बैल की तरह व्यवहार
नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस समय में अपनी शक्ति का ऊर्जा का दुरुपयोग वृषभ राशि वाले कर सकते हैं। अपव्यय और अनर्थ ना करें, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान का सौदा प्रतीत हो रहा है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का है प्रवेश। कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा क्या कहता है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके नाम का पहला अक्षर तो जान लें। मिथुन राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है का, की, कु, घ, र, छ, के, को और ह। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो मिथुन हुई, और मिथुन के लिए एकादश भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों की मिथुन राशि वाले जातक को इस समय में आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपका पैसा इस समय में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आमदनी में वृद्धि ही नहीं, इस समय बिजनेस व्यापार में भी आपको पर्याप्त लाभ के योग मिथुन राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। संतान का भी सुख अच्छा खासा आपको मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातक को इस समय में उत्तम भोजन की प्राप्ति का योग बन रहा है। अच्छा खासा भोजन बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट आपको करने को मिल सकता है, वो भी समय पर में। दोस्तों से हास प्रयास का अवसर मिलेगा। स्त्री के साथ सुख में समय व्यतीत होगा। प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। और आपको बता दूं कि स्त्री पक्ष से भी कुछ लाभ मिलेगा, तरल पदार्थों से भी आय की कुछ संभावना जो है सो आपके लिए मिथुन राशि वाले दिखाई दे रही है। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दशम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, लेकिन उससे पहले कर्क राशि वालों के नाम के अक्षर को जान लेते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ही, हूं, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो हो, उसकी राशि जो है सो कर्क ही होती है। और कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दशम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि कर्क राशि वाले जातक के अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। इस समय में आप जैसा चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा थी, वैसा ही काम होने का योग जो है सो कर्क राशि वाले दिखाई दे रहा है। सभी काम बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस समय में काफी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू वगैरह आ रही थी, परेशानी हो रही थी, तो उससे बहुत राहत महसूस होगी। इस समय में कर्क राशि वाले जातक को कहीं ना कहीं विशेष धन के लाभ के साथ साथ सम्मान प्राप्ति के भी कुछ अच्छे खासे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी में भी प्रमोशन के साथ साथ बदलाव के भी योग नजर आ रहे हैं, यानी कि पदोन्नति भी होगी और हो सकता है तो ट्रांसफर भी होने का योग बन रहा है। आपके जो हायर लेवल के अधिकारी हैं, हायर अथॉरिटी हैं, वो आपसे खूब प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का सुख भी आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों कर्क के बाद अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा क्या फल देगा उसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि सिंह राशि वालों के लिए जो है सो नाम का पहला अक्षर क्या होता है। सिंह राशि वालों के लिए नाम का पहला अक्षर है म, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टी। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो सिंह हुई। और सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा ये दर्शाता है कि इस समय में आपको किसी प्रकार की परेशानी परेशान करने की कोशिश कर सकती है। बिजनेस व्यवसाय में भी आपको नुकसान हो सकता है। बच्चों से मतभेद के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम पड़ सकता है। पेट से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत, कोई समस्या आपके सामने में आ सकती है। भाग्य भरोसे काम ना करें, क्योंकि इसमें भाग्य भरोसे काम होगा भी नहीं और दुश्मन परेशान करने का कुछ प्रयास कर सकता है, कहीं से कुछ परेशानी और भी आ सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सिंह राशि वाले सावधान रहें। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा जो क्या फल देगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि कन्या राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। देवी और सज्जनों जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर हो टो, पा, पी, पू, मूर्धन्य ष, वरि, ण, ठ, पे, पो, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो निश्चित तौर पर में कन्या हुई। कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि इस समय में आपको अपच की समस्या परेशान कर सकती है। श्वास से संबंधित कुछ स्थिति विपरीत हो सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। किसी न किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति भी जो है सो आ सकती है। इसलिए इस समय में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद किसी के साथ हो सकता है तो उससे बचने का प्रयास करें। मानसिक तौर पर में थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक तौर पर थोड़े से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उस पर में भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट कोई परेशानी आपको घेरने का कोशिश कर सकती है। नियत समय पर में सही और स्वादिष्ट भोजन मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। धन का भी कुछ नुकसान आपका हो सकता है तो थोड़ा सा सावधान रहे कन्या राशि वाले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठे हुए चंद्रमा का फल तो बाद में जानेंगे, पहले तुला राशि वालों के नाम का अक्षर जान लेते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर होता है रा री रू रे रो ता ती तू ते, उसकी राशि जो है सो तुला होती है। देवी और सज्जनों तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको इस समय में धन का कुछ विशेष लाभ मिल सकता है, कुछ पर्याप्त काम सुख सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलने के भी योग हैं, छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही हैं, वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तम भोजन क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ साथ शयन सुख भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, वाहन और ख्याति के प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। हर मामले में आपके लिए ये समय तुला राशि वाले अच्छा ही नजर आ रहा है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा क्या फल देगा वो बताऊंगा, लेकिन पहले वृश्चिक राशि वालों के नाम अक्षर को तो आप जान लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या ये यू, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है वो वृश्चिक होती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि आपको धन का तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कोई अगर इशू है तो उससे भी राहत महसूस होगी। आपके यश और आनंद में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं से भी आपका संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर में भी सुख प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। शत्रुओं की पराजय होगी, रोगों का नाश होगा, परंतु खर्चा थोड़ा सा अधिक होता हुआ आपके लिए वृश्चिक राशि वाले नजर आ रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों उसके फल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले नाम अक्षर को समझ लें। धनुराशि वालों का नाम अक्षर होता है ये यो भा भी भू ध फा ढा भे, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि धनु हुई। धनुराशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो है सो ये दर्शा रहा है कि यात्रा बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि यात्रा में कष्ट और दुर्घटना दोनों के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्य सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मन में भी कुछ अशांति के योग हैं। धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। काम वासना की अधिकता भी होती हुई नजर आ रही है। इस समय में किसी को उचित सलाह देते हुए आप नजर नहीं आ रहे हैं। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। मकर राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है भो जा जी खी खू खा खो गा गी, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मकर हुई। और चौथे भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको अपने ही लोगों से मकर राशि वाले वाद विवाद के योग बन रहे। स्वजनों से लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। मकर राशि वालों का चित्त चंचल रहेगा। छाती से संबंधित किसी प्रकार के विकार की संभावना दिखाई दे रही है। भोजन सही समय पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नींद में भी कुछ बाधाएं आपको परेशान कर सकती है। जल तथा स्त्री से भी भय के योग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य में कुछ कमी हो सकती है। समाज में भी अपमान का भय है। स्त्री सुख में कमी के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा सावधान हो जाए। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा क्या कहता है उसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले नाम अक्षर समझ लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर गु गे गो सा सी सु से सो और दा हो उसकी राशि कुंभ होती है। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बनते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको धन की प्राप्ति होगी, वस्त्रादि का सुख भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का मौका भी प्राप्त होगा, बंधुजनों से लाभ भी मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क भी बढ़ेगा और भाग्य का भी आपको अच्छा खासा साथ इस समय में कुंभ राशि वाले प्राप्त होगा। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो क्या दर्शाता है उसके फल को समझेंगे। पहले नाम अक्षर को समझने, नाम अक्षर है दी दू थ झ य दे दो चा ची। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि मीन हुई। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि आपको इसमें मानसिक असंतोष की स्थिति सामने आ सकती है। परिवार के लोगों से टेंशन तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। आँख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति का योग भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कार्यों के क्षेत्र में भी असफलता मिल सकती है। पाप कर्मों की तरफ आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। विद्या में भी रुचि घटती हुई नजर आ रही है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये दो दिन का समय आखिर कैसा रहेगा। इसमें हमने आपको नाम के अक्षर को भी बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।